सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बात चल रही है रेडियो एक्टिविटी के बारे में। टॉपिक चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी। अभी हम बात करेंगे सेफ्टी प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग न्यूक्लियर वेस्ट। मींस बात करने वाले हैं कि जब हम कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश कर रहे हो तो किन बातों का ध्यान रखना है, मटेरियल्स को ध्यान में रखते हुए या मटेरियल्स को यूज़ करते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना है, या फिर उनके जब वेस्ट है उनको डिस्पोज करते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना है। इससे पहले हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में मोर लेस सब कुछ पढ़ चुके हैं। अगर आपने अब तक वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लीज़ गो बैक एंड सी देम एंड कम बैक, इट विल मेक बेटर सेंस टू यू। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम एक न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश कर रहे हों। हमें पता है कि रेडियो एक्टिविटी के जहाँ पे यूज हैं वहाँ पे उसके ड्रॉबैक्स भी बहुत सारे हैं। उसके ड्रॉबैक्स में ह्यूमन लाइफ डेंजर में आ सकती है। तो हमें कभी भी जब हम रेडियम प्लूटोनियम जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हैंडल कर रहे हों, जब हम एक न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश कर रहे हों, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को काफ़ी सील्ड पोजिशन में रखें, उनको लेड या स्टील के बॉक्सेज में या सील्ड में या सील में जरूर रखें। तो इसमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं दे शुड नॉट बी अंडर एनी सर्कमस्टांसिस बी इन कॉन्टैक्ट। तो पहली बात जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है वो है कि द पीपल शुड नॉट बी एक्सपोज, ठीक है। पीपल वर्किंग शुड नॉट बी एक्सपोज, तो लोग जो है वो एक्सपोज नहीं होने चाहिए। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट शुड बी शील्डेड, पावर प्लांट शुड बी शील्डेड, ये शील्ड हो जाना चाहिए। तीसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इट मस्ट बी हाउस्ड इन अ एयर टाइट बिल्डिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग कंक्रीट और लीड और स्टील चैम्बर्स। तो जो आपका रिएक्टर है वो हाउस करना चाहिए हमें कंक्रीट की थिक वॉल्स के बीच में, ताकि कोई भी अंडर एनी सर्कमस्टांसिस जो रेडिएशन है लीक होके एस्केप होके बाहर ना आए, ठीक है। देयर मस्ट बी अ बैकअप ऑफ कूलिंग सिस्टम, तो जो कूलिंग सिस्टम है इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कूलिंग सिस्टम का बैकअप जरूर होना चाहिए, बिकॉज अगर एक सिस्टम हमारा फेल भी हो जाता है तो दूसरा सिस्टम डेफिनेटली शुड बी अ बैकअप, ताकि वो काम कर सके और आपकी कंट्रोल लोड्स को या रिएक्शन को कंट्रोल करने में हमारी मदद कर सके, ठीक है। सो कूलिंग सिस्टम आपका तैयार रहना चाहिए ताकि हीटिंग या मेल्टिंग की सिचुएशन आए ही ना। अब हम बात करेंगे सेफ्टी मेजर्स वाइल हैंडलिंग रेडियो एक्टिव मेटेरियल। जब हम रेडियो एक्टिव मेटेरियल को हैंडल कर रहे हैं, नंबर वन, हमेशा ही हमें स्पेशल लेड एंड टिन अप्रॉन्स पहनने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले लेड लाइंड एप्रॉन्स, ये क्या होते हैं, बहुत महंगे आते हैं पहली बात तो, ये हमें क्यों पहनने चाहिए, ताकि अगर रेडिएशन आपके आसपास भी हो तो आप उनसे एक्सपोज ना हो, वो उन रेडिएशन को रोक ले। नंबर टू, दे शुड हैंडल द रेडियो एक्टिव मेटेरियल विद लॉन्ग लीड टॉन्ग्स, हैंडल द मेटेरियल विद लॉन्ग लेड टॉन्ग्स। तो दूर से ही आप उनको यूज कीजिए, ना कि अपनी बॉडी से किसी भी एंगल से, दे शुड नॉट कम नियर टू योर बॉडी, टच करना तो भूल जाओ, ठीक है। उसके सिर्फ शॉर्ट टर्म इफेक्ट या लॉन्ग टर्म इफेक्ट दोनों हो सकते हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि उनके क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। द सेफ्टी लिमिट फॉर ईच टाइप ऑफ रेडिएशन इज नोन, हमें पता है कि उनकी सेफ्टी लिमिट क्या है। तो हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैजेस यूज करते हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि आप कितने एक्सपोज हुए हो, ठीक है। बियॉन्ड सेफ्टी स्पेशल फिल्म बैजेस आर यूज्ड, स्पेशल फिल्म बैजेस आर यूज्ड टू नो हाउ मच एक्सपोज्ड, हमें पता लग जाता है कि आप कितने एक्सपोज हुए हो। एंड चौथी बात हम देखते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मस्ट बी केप्ट इन अ थिक लेड कंटेनर विद अ नैरो ओपनिंग। तो हमको इसको थिक लेड कंटेनर या स्टील कंटेनर में रखना है,
और बहुत नैरो ओपनिंग रखनी है ताकि जो रेज हैं वो बाहर ना आए, क्योंकि अगर वो बाहर आई और अगर आप एक्सपोज होते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दीज आर द सेफ्टी मेजर्स वाइल हैंडलिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल। अब हम बात करेंगे सेफ्टी मेजर्स इन सेफ डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर वेस्ट तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज जब आपकी यू नो एक्टिविटी रेट थोड़ा कम हो जाता है तो आप किसी काम के नहीं रहते हो रेडियो एक्टिव और न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो आपको बाहर निकाल दिया जाता है। तो आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्या करना है, तो न्यूक्लियर वेस्ट क्या था, रेडियो एक्टिव मटेरियल आफ्टर इट्स यूज इज रेडियो एक्टिव वेस्ट। बट ये रेडियो एक्टिव वेस्ट प्योरली वेस्ट नहीं होती है, उसकी रिएक्शन फिर भी होती है ह्यूमन लाइफ को डेंजर करने के लिए, दैट इज स्टिल सफिशियंट। तो आपको क्या करना है, द न्यूक्लियर वेस्ट ऑब्टेंड फ्रॉम द लेबोरेटरीज, हॉस्पिटल या साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट या पावर प्लांट, कहीं से भी जो न्यूक्लियर वेस्ट आती है उसको अंडरग्राउंड, पहली बात तो उसको कास्क में रखा जाता है, एंड देन दे मस्ट बी बरीड इन द स्पेशली कंस्ट्रक्टेड डीप अंडरग्राउंड स्टोर्स। उनको डीप अंडरग्राउंड स्टोर्स में थिक वॉल्स, कंक्रीट वॉल्स, स्टील वॉल्स के अंदर उनको दबा दिया जाता है और मेक श्योर और वहां पे कोई भी ओपनिंग नहीं हो, ठीक है। शुड बी बरीड अंडरग्राउंड इन स्पेशली बिल्ट स्टोर्स ऑफ थिक कॉन्क्रीट walls so that the radiations do not escape। दूसरी बात, ये जो underground store है ये भी populated area के आसपास नहीं होने चाहिए, because गलती से कोई भी accident अगर होता है, अगर वो open रह जाता है, किसी गलती से भी open कोई कर देता है तो वो बहुत सारी ह्यूमन लाइफ को डेंजर कर सकता है। इसलिए आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप इसको पॉपुलेटेड एरिया के आसपास हो, ये जो अंडरग्राउंड स्टोर है ये भी पॉपुलेटेड एरिया से बहुत दूर होने चाहिए। सो दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड इसके साथ ही हम देख चुके हैं कि उनमें सेफ्टी हमें कैसे ध्यान रखनी है, सेफ्टी का ध्यान कैसे रखना है एस्टेब्लिशमेंट के दौरान, ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ द सब्सटेंस एंड आफ्टर द सर्टेन यूज, मींस न्यूक्लियर वेस्ट को ध्यान में रखते हुए हम कैसे बरी करेंगे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे बैकग्राउंड रेडिएशंस के बारे में। मेक श्योर यू गो बैक एंड सी ऑल द वीडियोस, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू।